आज आप इस वीडियो में जानेंगे टाटा मोटर्स के वैकेंसी के बारे में। टाटा मोटर्स जो कि गुजरात के अहमदाबाद में जो सानंद जीआईडीसी के अंदर टाटा मोटर्स का नैनो प्लांट है, उसी प्लांट में वैकेंसी आई है। तो आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि इस कंपनी में जॉब लेने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और किन एज क्राइटेरिया वालों को लिया जा रहा है, किस डेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा, कब ज्वाइनिंग के लिए आपको आना है और कंपनी में आपको जॉब कितना घंटा करना पड़ेगा और सैलरी वगैरह कितने मिलेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है, ये सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो वैकेंसी आई है टाटा मोटर्स में, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टाटा मोटर्स के अंदर सुकमा कॉन्ट्रैक्ट है उसी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है, यानी कि आप इंडिया के जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बस वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और अभी जो वैकेंसी है टाटा मोटर्स में ये सिर्फ और सिर्फ मेल ही कैंडिडेट के लिए है, तो अगर आप मेल हैं तभी आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, अभी यहाँ पे फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो मेल है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप टाटा मोटर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपका एज क्या होनी चाहिए। तो पहले तो टाटा मोटर्स में ज्वाइनिंग के लिए 18 से 28 साल तक ही लिया जा रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पे 18 से 35 साल तक लिया जा रहा है। तो अगर आपका एज 18 साल से 35 साल के अंदर है तो आप आसानी से इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पे मेडिकल चेकअप होता है, तो मेडिकल में यहाँ पे आपका मिनिमम बॉडी वेट 50 केजी होना चाहिए। 50 केजी से अगर मोर देन 50 केजी है तब तो चलेगा, लेकिन लेस देन 50, अगर 50 से अगर आपका बॉडी वेट कम है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। तो अगर आप ज्वाइनिंग के लिए आए तो ये आप जान लीजिए कि आपका बॉडी वेट 50 केजी होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए ये प्लांट है कहाँ पे, क्योंकि आप गुजरात के हैं, अहमदाबाद के हैं, तब तो आपको पता होगा, अगर अदर स्टेट से हैं तो शायद आपको पता ना हो। तो चलिए आप गूगल मैप में देख लीजिए ये प्लांट है कहाँ पे, कैसे आपको यहाँ तक आना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये है गुजरात का अहमदाबाद, अहमदाबाद से ही लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सानंद जीआईडीसी है। सानंद जीआईडीसी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पे एक बहुत बड़ा प्लांट है टाटा मोटर्स का जो कि मेन हाईवे पे ही है। सानंद से जो वीरमगाम के लिए हाईवे जाती है छारोडी के पास में ही ये टाटा मोटर्स का नैनो प्लांट है, काफ़ी बड़ा है जैसा कि आप गूगल मैप पे देख सकते हैं। तो यहीं पे आपको आना है, यही आपका जॉब लोकेशन है। तो अब आप जान लीजिए कि यहाँ पे जॉब लेने के लिए क्या आपको सैलरी मिलने वाला है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको इस कंपनी में मिलेगा। फैसिलिटीज़ के मामले में तो टाटा मोटर्स में आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स में आपको फैसिलिटीज़ फुल मिलेगी। कंपनी के अंदर आपको कैंटीन मिल जाएगा, जहाँ पर एक टाइम का नाश्ता, एक टाइम का खाना कंपनी की तरफ से ही मिलता है। कंपनी का कैंटीन काफ़ी बड़ा है, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं कि टाटा मोटर्स का कैंटीन कैसा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। कंपनी यहाँ रूम प्रोवाइड नहीं करती है, तो आप ज्वाइनिंग से पहले ये भी जान लीजिए कि कंपनी में आपको कंपनी की तरफ से रूम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, रूम आपको खुद से ही आपको लेकर के रेंट पर रहना होगा। हाँ, कंपनी का आपको बस मिल जाता है, जो कि रूम से कंपनी तक आने और जाने के लिए कंपनी बस प्रोवाइड करती है। कंपनी के दूर दूर तक यहाँ कंपनी का स्टाफ बस जाता है, तो आने जाने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आप ओवर टाइम करना चाहें तो आपको ओवर टाइम भी मिल जाता है। आप ये जान लीजिए कि ओवर टाइम का अगर 1 घंटा आप ओवर टाइम करते हैं तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए 112 रुपये पर आवर के हिसाब से आपको ओवर टाइम का रेट मिल जाएगा। और अदर फैसिलिटीज़ में जो कि हर कंपनी प्रोवाइड करती है, सेफ्टी शूज़, यूनिफॉर्म, PF, ESI, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, कंपनी के अंदर में ही यहाँ हमेशा डॉक्टर रहते हैं, तो अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा तो भी यहाँ पे वो सारे फैसिलिटीज़ आपको उपलब्ध है, आपको ये सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। अब बात रही कि यहाँ पे आपको जॉब क्या करना पड़ेगा, तो जॉब यहाँ पे आपको यहाँ टाटा मोटर्स के अंदर में आप जैसे कि जानते ही होंगे, टाटा मोटर्स जो 4-व्हीलर बनाती है, जो कि टाटा टिगोर और टाटा टियागो, पहले इस प्लांट में टाटा नैनो कार बना करती थी, लेकिन अब यहाँ पर टाटा टिगोर और टाटा टियागो बनती है, और जो नेक्सॉन का जो इंजन है, नेक्सॉन कार का इंजन, इसी प्लांट से बन करके पुणे में जो टाटा मोटर्स का जो प्लांट है वहाँ पे नेक्सॉन का पूरा असेंबल होता है, तो यहाँ से इंजन बना करके वहाँ सप्लाई किया जाता है। तो ये सारे प्रोडक्शन यहीं पे होते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी में प्रेस शॉप, वेल्ड शॉप, पेंट शॉप, TCF शॉप और पावर ट्रेन, इन सभी शॉपों में आपको किसी एक शॉप में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। आप ये भी जान लीजिए, वेल्ड शॉप में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वेल्ड शॉप तो आपको वेल्डिंग का काम करना पड़ सकता है। यहाँ पर बहुत सारे रोबोट हैं ऑलरेडी, आपको वेल्ड शॉप में लगभग 200 के आसपास रोबोट हैं, तो इस कंपनी में रोबोट से भी वेल्डिंग किया जाता है, और अदरवाइज़ यहाँ पे मैन्युअली भी वेल्डिंग होता है। तो मैन्युअली वेल्डिंग के लिए यहाँ पे मैन पावर को रखा जाता है, जो कि आपको स्पॉट वेल्डिंग करना होगा, मिग वेल्डिंग करना होगा, और भी अलग अलग तरह के यहाँ पे वेल्डिंग गन होते हैं। और पेंट शॉप में जहाँ पे कार को पेंट किया जाता है तो वहाँ भी बहुत सारे अलग अलग तरह के काम है। और TCF शॉप जहाँ पे फाइनली कार को टोटल असेंबल किया जाता है, जितने भी कार में सारे पार्ट्स लगे होते हैं सारे के सारे इसी TCF शॉप में ही, यानी आप कह सकते हैं कि TCF एक असेंबलिंग शॉप है जहाँ पे कार को कंप्लीट असेंबल किया जाता है। और पावर ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ इंजन बनता है, इंजन बन करके
TCF में लाया जाता है और TCF में कार के साथ में असेंबल कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप काम तो समझ चुके होंगे कि किन किन शॉप में कैसा कैसा काम है और कैसा काम करना पड़ सकता है। तो अब आप जान लीजिए कि यहाँ अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलने वाला है। तो अगर आप टाटा मोटर्स में जॉब करते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की सैलरी में बता रहा हूँ, अदरवाइज आप ओवर टाइम जितना करें वो आपका एडिशनल पैसा होता है, आपको ऐड करके एक्स्ट्रा मिलता है। आपको 8 घंटे के लिए यहाँ 15,800 रुपये आपको CTC मिल जाएगा। ये जो 15,800 रुपये है ये आपका CTC है, इसमें से PF, ESI और ट्रांसपोर्टेशन और कैंटीन का डिडक्शन होता है। इन सारे डिडक्शन के बाद आपका इन हैंड अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो है 13,400 रुपये आपकी सैलरी आती है। और ये भी जान लीजिए इस कंपनी अटेंडेंस बोनस मिलता है जो कि किसी महीने में 4,000 या फिर किसी महीने में 4,500 मिलता है। तो किसी महीने में आपका 13,400 रुपये आपका इनहैंड सैलरी होगा और किसी महीने में 13,800 रुपये आपका सैलरी होता है। तो ज्वाइनिंग से पहले आपका सैलरी क्लियर कर लीजिए कि आपको इनहैंड सैलरी 13,400 या फिर 800 ही मिलने वाला है। तो अब आप जान लीजिए कि अगर आप टाटा मोटर्स में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10वीं पास प्लस ITI वालों को लिया जा रहा है। तो अगर आप 10वीं पास हैं प्लस में आपने ITI भी किया है, किसी भी टेक्निकल ट्रेड से आपने किया हो, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वालों को भी लिया जा रहा है। ITI डिप्लोमा जो भी हो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। प्लस में आपके पास मिनिमम 1 ईयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी का तो आपको बिल्कुल फ्री में ज्वाइनिंग होगा। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी फीस पैसा वगैरह नहीं देना होता है, यहाँ पे कोई भी फीस पैसा वगैरह नहीं लगता है। तो अब आप जान लीजिए कि यहाँ ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लाने हैं और कब लाने हैं और कौन से जगह पे आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सारे डिटेल्स में आप जान लीजिए। यहाँ पे आपका 10 का मार्कशीट ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है और बैंक पासबुक जीरोक्स होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आएगी। पैन कार्ड आधार कार्ड का 3 जीरोक्स सेट होना चाहिए और 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी ज्वाइनिंग के टाइम पर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको आना कहाँ पर है आप वो नोट कर लीजिए। टाटा मोटर्स में ज्वाइनिंग के लिए टाटा मोटर्स के प्लांट के अंदर आपका इंटरव्यू नहीं होता है। इसका जो इंटरव्यू है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइनिंग हो रहा है तो सुखमा का जो ऑफिस है वो मुनि आश्रम सर्वसदि फार्म जो कि सानन से 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मुनि कृपा सर्वसदि फार्म एक फार्म हाउस है, वहीं पे सुखमा कॉन्ट्रैक्ट का ऑफिस है। आपको वहीं पे आना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते तो आप देख लीजिए यहीं पे आपको आना है। आपको सानंद से आसानी से अहमदाबाद से आप सानंद आइएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं अहमदाबाद से सानंद आ जाइएगा और सानंद से आपको 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये है। तो यही इंटरव्यू का एड्रेस है, आपको यहीं पर आना है। तो अब आप जान लीजिए कौन से डेट को आपको आना है। यहाँ पर जो इंटरव्यू होने जा रहा है